वैलेंटाइन डे के लिए हो रहा है लठ पूजन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा लगा रही है लठ में तेल। वैलेंटाइन डे के दिन अश्लीलता करने वालों को पीटने की योजना। आखिर क्यों प्यार पर लगा रहे हैं पहरा। प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में वैलेंटाइन डे मनाने वाले युवाओं के लिए एक बुरी खबर है। जिले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वैलेंटाइन डे मनाने वाले युवाओं के लिए लठों को तैयार कर रखा है। इसके लिए बकायदा एक कार्यक्रम कर लठों में तेल लगाया गया, साथ ही उसकी पूजा की गई। इस दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा वैलेंटाइन डे मनाने वाले युवाओं को चेतावनी भी जारी की गई है। चेतावनी में कहा गया है कि अगर कोई भी युवा वैलेंटाइन डे के दिन होटल रेस्टोरेंट में अश्लील हरकत करते हुए पाए गए तो उनको लठ से सबक सिखाया जाएगा। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा हर प्रत्येक वर्ष वैलेंटाइन डे के उपरांत लठ पूजन का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि कुछ विधर्मियों द्वारा नाबालिग बच्चों को बैला फुसलाकर उन्हें रेस्टोरेंटों में होटलों में लिया जाता है और उनसे अश्लील हरकतें की जाती है। दूसरा, सनातन क्रिश्चियन पद्धति को अपनाकर कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम, इस आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं, जो कभी भी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिल भारत हिंदू महासभा सभी होटल रेस्टोरेंट मालिकों से, ढाबों वालों से, सभी से निवेदन करती है कि इन चीज़ों से बचें, क्योंकि जो क्रिश्चियन पद्धति के लोग हैं, क्रिश्चियन सोच के लोग हैं, वे इसे एक हफ्ते के रूप में बनाते हैं। वैलेंटाइन डे, किस डे, रोज डे, टेडी बियर डे, एक सप्ताह वो इस कार्यक्रम की आड़ में अश्लील हरकतें करते हैं। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित आनंदपुरी मोहल्ले के शिवपाल मंदिर धर्मशाला में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक लठ पूजन का कार्यक्रम किया गया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लठों की तेल मालिश कर उनका पूरे विधि विधान से पूजा की। कार्यक्रम के दौरान लोकेश सैनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी होटल और रेस्टोरेंट वालों को पत्र देकर वैलेंटाइन डे मनाने वालों को रोकने के लिए कहा जाएगा। आज हमने लठ पूजन का कार्यक्रम किया है। 10 तारीख को हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न विभिन्न होटलों रेस्टोरेंटों पर सभी को एक लेटर दिया जाएगा। उनसे सभी से निवेदन किया जाएगा कि इस तरह की हरकतें करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले व्यक्तियों से बचें और कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। इतना ही नहीं, ये सभा 12 फरवरी को वैलेंटाइन डे का पुतला दहन भी करेगी और हिंदू बहन बेटियों से निवेदन करेगी कि वैलेंटाइन डे जैसी चीज़ों से बचें और वो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी कार्य करना है वो करें। बहन बेटियों से निवेदन करेंगे कि वैलेंटाइन डे जैसे अय्याश व्यक्ति के नाम से देव दिन बना रहे हैं, इन चीज़ों से बचें और सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी कार्य करना है उसको करें। लठ पूजन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या लठ पूजन का मुख्य उद्देश्य मेन ये है कि कुछ ऐसे धर्मी हैं, कुछ सनातन धर्म की वो बदनाम करने का कार्य करते हैं और वैलेंटाइन डे क्रिश्चियन जो पद्धति है, क्रिश्चियन की पद्धति की आड़ में हमारी हिंदू बहन बेटियों को या हमारे जो नवयुवक हैं उन्हें धर्म से विपरीत कर चलने के लिए मजबूर करते हैं या उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उन लोगों को ये बताने के लिए अगर आपने वैलेंटाइन डे की आड़ में अगर कुछ हमें कोई भी व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में अश्लील हरकतें करता मिलाया, छेड़छाड़ करता मिलाया, तो उसे इन लाठी डंडों से सबक सिखाने का कार्य हिंदू महासभा के कार्यकर्ता करेंगे। पूरी दुनिया में प्यार करने वालों पर हमेशा पहरा लगाया जाता है, हिंदू महासभा भी यही कर रही है। जो वैलेंटाइन डे के दिन को सेलिब्रेट करते हैं उन्हें ऐसे लोगों के कारण खौफ में रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, ये महासभा इस दिन सड़क पर जा रहे भाई बहनों को पकड़कर परेशान करती है, जिससे 14 फरवरी को युवाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस को इस महासभा की इस हरकत पर कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट।